मेरी गुजारिश यह है कि इस मौके पर आप सब लोग मेरे साथ पुरजोश तरीके से अपने लिए ताली बजाएं अपने लिए और कहें ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। अरे तू भी बोल, ईद मुबारक। आ जा इधर, नहीं थोड़ा थोड़ा भी आ जा, बैठ जा, तेरे लिए जगह भी मिलती है। ये प्रोग्राम अरेंज करने का मकसद यह है, कैनेडा में रहते हुए हमारे बच्चों में इस त्यौहार की अहमियत बरकरार है। नंबर दो, यहाँ की मसरूफ जिंदगी में वक्त ना होने की के बाइस एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता है और ईद के मौके पर घर के घर आना जाना, ईद मुबारक फर्दन फर्दन फोन पर कहना मुश्किल होता है। नंबर तीन, इस त्यौहार को सबके साथ मिलकर एक खानदान की तरह एक वक्त में बनाना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा हमारी कोशिश होती है कि हम सब लोगों की इस कमी को दूर करें, इस प्रोग्राम को रंगारंग बनाने में जिन लोगों का हाथ है वो आप सब फिदा जाए। ये कोई कमर्शियल प्रोग्राम नहीं है, जितने जो लोग स्टेज पर हिस्सा ले रहे हैं वो आप ही के लोगों में से हैं। ये प्रोग्राम जस्ट फॉर फन के बेस पर है। आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों की हौसला अफजाई करें और उनके साथ उनकी आवाज के साथ अपनी आवाज बताकर इसका बात करें। मैं इन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम को मुनाकिद करने में हमारे साथ सहयोग किया। आसिफ अली जिनका ताल्लुक रिमेक्स रियल स्टेट से है, आसिफ अली साहब को अगर कोई साहब तो पहले इससे मशवरा कर ले, लेकिन आपको उनके हवाले से बहुत ज्यादा फायदा होगा। आपका जितना ताल्लुक ड्राइविंग से है आप सब लोग उनको अच्छी तरह से जानते हैं, इसी तारीख को निकाल देंगे। इन लोगों ने हमें